राणा जी जुड़ चुके हैं जो कि विजेंद्र राणा सालवन से आते हैं, क्या कहना चाहोगे आज मंत्री जी? देखिए आज के सामने कुछ समस्याएं रखना चाहते हैं। हाँ हाँ, बड़ी निराशाजनक आशा लगी हमारे हाथ ऐसी, ये पता नहीं क्या समझती है सरकार, किसान को किसान नहीं मान रही। आज जो मैं अनुभव हुआ, हमने बोलने की इजाजत ली थी भी हम दो मिनट अपनी बात स्टेज पर रखेंगे, बातें भी कोई गलत नहीं थी। बात क्या थी, छह बार चार बार मारा मनीष ग्रोवर जी, इसको लॉन्च कर गया मिल की कैपेसिटी बढ़ेगी, दो बार मनीष ग्रोवर ने कर लिया लेकिन आज तक मिल की कैपेसिटी नहीं बढ़ी, एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न हमारा था भी मारा जो मिल है वो एफर्ट में ही रखा जाए, कोऑपरेटिव में ना दिया जाए। और कुछ टाइम पहले 2012 से और 15 तक हमारे मिल की 24 घंटे में पेमेंट हुई है, हम वही भी बात रखनी थी भी मिल की पेमेंट 24 घंटे में बहाल करी जाए, जब ये किसानों की सरकार मानती है अपने आप। चौथी मांग हमारी जो थी मिल की मेंटेनेंस का जो ठेका है टाइम पे दिया जाए, और उसमें जीएम प्लस इंजीनियर जो कंटिन्यू मिल में बने रहते थे और दो तीन साल से बाद डिस्टर्ब है उनको कंटिन्यू रखा जाए ताकि किसी की जवाबदेही हो और मिल का मेंटेनेंस तरीके अच्छी तरीके से काम चले। और बीच बीच में जब भी, आज मंत्री जी बोल रहे थे भाई मिल से लंबे समय तक चलाना पड़ो, मिल अगर लंबे समय तक चलेगा किसान को कितने नुकसान होंगे, एक तो जो गन्ना 250-300 क्विंटल पर का 200 क्विंटल पर रह जाएगा, सेकंड में जो गन्ना हमारा 50-55 रुपए क्विंटल सलाई होता है उसका 80 का रेट हो जाएगा, किसान को इससे बड़ा भारी लॉस होगा। और सेकंड में क्या है, जो गन्ना हम लेट काटेंगे वो अगली फसल के लिए प्रॉपर तैयार नहीं होगा और उसकी यील्ड बड़ी कम हो जाएगी, और मिल टाइम पे ना चलने के नुकसान ये है। मंत्री जी आपकी बात सुनी नहीं, नहीं सुनी हमारी, मंत्री जी बात नहीं सुनी है, बिल्कुल मना करके हम चंडीगढ़ भी गए थे वहाँ भी मना करके, पता नहीं क्या समझ रही है किसानों को, किसान नहीं समझ रही क्या? हम अच्छी तरह तरीके से बात रखते स्टेज पर रखते लेकिन मंत्री जी ने जवाब दिया आज, हमें बड़े दुख के साथ कहा जाए। इसके अलावा कोई स्थानीय मुद्दे भी हैं जैसे सड़क? हाँ हाँ हाँ, और जितनी सड़क आज हमने देखी है, मैं सड़क से आ रहा था जो नदी वाली सड़क है हमारी आसी बुटाना नहर जिसको बोलते हैं, उसमें छोटी छोटी सी थेगड़ी लाई गई है जबकि वहाँ जेरे भी खुदे हुए हैं, एक खंबा टेढ़ा हो रहा उसकी ठीक तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। कि गन्ना को लेकर जो अप्रोच रोड्स हैं शुगर मिल को उनकी व्यवस्था लाइफ तो किसानों की कहीं नहीं, और इन 7 सालों में इस सरकार की वजह से डीजल पेट्रोल डीएपी पेस्टिसाइड दवाई वर्किंग, चार तरह की वर्किंग होती है गन्ने में, नहीं मिलना अलग चीज है, चार तरह की वर्किंग होती है गन्ने में, पहले बोया जाता है फिर ये खुदाई करी जाती है फिर इसकी बंदाई करी जाती है और फिर सुलाई करी जाती है, उनमें कम से कम 60 रुपए क्विंटल का खर्च बढ़ गया, और 60 रुपए क्विंटल का खर्च कम से कम डीएपी के माध्यम से, यूरिया के माध्यम से, पेस्टिसाइड के माध्यम से और डीजल पेट्रोल के माध्यम से 120 रुपए का 7 सालों में खर्च बढ़ा है, मात्र 50 रुपए इस सरकार ने रेट बढ़ाया फिर भी डंडोरा पीट रहे हैं बीमारा रेट सबसे ज्यादा है। हम वो भी बात रखनी चाहते भी इसको भी संज्ञान में ले जी, और 2022 नजदीक आएगी है भाई, 2022 में प्रधानमंत्री का जो वादा है हम 2022 में आमदनी दूनी करेंगे, आमदनी तो हमारी दूनी हुई नहीं लेकिन खर्चा 5 गुना बढ़ गया। स्टेज पर बातें रखना चाहते हैं, हाँ हम आज स्टेज पर अपनी बात रखना चाहते थे, कोई सुनवाई करी है, ये बड़ा घातक है। और एक और चीज थी, हमने सभी किसानों से रिक्वेस्ट करी, विरोध भी करना चाह रहे थे, हमने सभी किसानों से रिक्वेस्ट करी भाई मंत्री जी आएंगे अपनी बात रखेंगे हमारी सुनेंगे और हमारी बात पे कोई गौर फरमाज आवेगा, हम कोई अब अमेरिका के नहीं है ना पाकिस्तान के हैं, कहीं ना कहीं धक्का लगा है आपकी धक्का लगा उम्मीदों पर, बड़ा भारी धक्का लगा क्योंकि चलो करना ना करना एक अलग चीज आ रही, एक और अब जब भी हम छोटे छोटे होया करते एक चीज हमने बुजुर्गों में से सुनी है भाई आज तो मंत्री जी ने अनाउंस कर दिया ये काम बनेगा, इन 6 बार कर लिए सरकार ने, इतनी झूठी सरकार है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं जो कैपेसिटी बढ़ाने का, 4 बार मनीष ग्रोवर ने कराया अनाउंस और 2 बार इस बनवारी लाल, आज भी बनवारी लाल जो डॉक्टर बनवारी लाल सहकारिता मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उन्होंने कहा कि अगर मरकर के साथ इस मांग को रखा कि अगर जरूरत हुई तो जरूर, इसका क्या मायने हैं? इसके मायने है साथ ये, साथ लेट तक चलाना पड़े तो चलाओ, मैं मायने ये है सरकार की नीयत साफ नहीं है, नंबर एक 17-18 में इकबालपुर के अंदर भी सरकार बीजेपी की है और यहाँ भी बीजेपी की और सेंटर में भी बीजेपी की, हमारा हमारे हरियाणा के किसानों के जब यहाँ कैपेसिटी कम पड़ गई, मिल छोटा पड़ गया, कहीं ट्रैक्टर ट्रैली टूटे, कहीं एक्सीडेंट हुए, कहीं किसानों का चोट लगी, और आज तक हमारा 36 करोड़ रुपया उस मिल के अंदर बकाया है, अंजलि बिरला के नाम से मिल है, मैं भी 2 बार गया वहाँ, आज तक हमारा पैसा नहीं, हाँ क्यों गया, क्योंकि मिल की कैपेसिटी कम थी, अगर ये मिल की कैपेसिटी टाइम पर बढ़ा देंगे तो ऐसी नौबत नहीं आवे थी।
बहुत बहुत शुक्रिया। सर कहीं ना कहीं किसान जो है अपनी बातों को लेकर के यहाँ पहुँचे थे कि हमें अपनी जो है बात रखनी है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे थे अगर ये मिल को मई तक चलाएंगे तो मई में जाएंगे तो दोबारा फसल तैयार होती है हमारी। मार्च से अगर गन्ना खत्म होता है तो मई अप्रैल और मई दो महीने हमारे पास ऐसे हैं जिनमें हम उसकी ढंग से खुदाई करके और दवा पानी खाद उसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये मई में उसके कटवाएंगे तो फिर बरसात शुरू हो जाएगी। कब उसकी खुदाई करेंगे, कब उसका घास खत्म करेंगे और कब गन्ना तैयार करेंगे? जो गन्ना हमारा 300-400 क्विंटल निकलना है और 200-250 पर आ जाएगा और मिल तो चाहता ही है 200-250 की बॉन्डिंग हो और ये लास्ट में गन्ना लेंगे तो मिल को फायदा होगा, किसान को नुकसान है क्योंकि अगली फसल की जो बुआई है ना अगली फसल तैयार समय निकल तो सिर्फ देख सकते हैं किसान कहीं ना कहीं गुस्से में है कि उनकी सुनवाई नहीं हुई और जो बातचीत वो रखना चाहते थे मंत्री जी के आगे वो सुनवाई नहीं। इन तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ। आपका अपना न्यूज चैनल।